राम राम दोस्तों, मैं संजीत भाई साहब आज थारे से मैं हाजिर हुए किसी कविता लेके। सबसे पहली बात तो भाई साहब, पर्टिकुलर कोई भी छोरी बुरा ना माने हो भाई इस कविता का, क्योंकि किसी छोरी पर नहीं लिखी है, लेकिन हाँ लिखी उसी हिसाब से है कि भाई साहब एक काटड़े का जो किरदार है वो लड़के का है, जोटी का वो लड़किया, क्योंकि इस एज में पढ़ने वाली उम्र में सबसे ज्यादा अगर टारगेट ना कोई डिस्टर्ब करा हो तो छोरी है। तो उसी हिसाब से भी इस चीज का अंत क्यों है, क्योंकि टेम पर सारी चीज मिलेंगी। तो एक कविता लिखी भाई साहब, सुन के देखियो मजा होगा। काटड़ा अड़ाव था जोटी ने बुलाव था, काटड़ा अड़ाव था जोटी ने बुलाव था, नया नया गाबरू पा क्या जवानी का रंग चाख्या, न्यारे न्यारे को तकर है जोटी ने पटान के दिहाड़ी भरा, कदे बेल ना सिंगा मूल जाले, कदे गेटी में फंसा ले, और कदे खुद की सानी जोटी का नहीं बगावा, कदे पीण की पानी गुड़ावा है। पर जोटी के जमा चाड़ा थी, काटड़े की जान का गाड़ा थी, पहला पहला प्यार था, काटड़ा भी त्यार था। इब जोटी ने एक सकीम बिड़ाई, काटड़ा का कान में एक बात बताई, कि या बात किसे ना ना कहिए, तड़का दोपहर न तैयार रहिए, जद जसी छेओ छेओ बोल लगा, जोड़ पपानी प्याण खातर खोल लगा, मौका देख के भाज जावांगे, फिर कदे भी उल्टे नहीं आवांगे, फिर अपनी एक प्यारी सी काटड़ी होगी जो रात ना अपने बीच में सोवगी। इब अगले दिन का इंतजार था, काटड़ा झोड़ा समेत तैयार था, ज्यो जो टेम लोवा आवा काटड़ा प्यार के गाने गावा। अगले दिन का दोपहरा गाम सुत्या सारा, जस्सी ने बेल खोली, जोटी आंख मार के बोली, इब जस्सी ना का इब काटड़ा ने जस्सी पाया मगा लिया, और दोनों जुड़िया ने लांडा ला लिया, दोनों थक गए, बिल्लू का खेत में रुक गए, मुड़ के देखा तो साइकिल ठा रहे, हर गैल ना लठ ले जस्सी भी आ रहा है। इब मजनू का भजना सफल नहीं हो पाया, मार मार लठ जस्सी उल्टा लाया, पिंडिया पर लील पड़े थे, उल्टे थान में खड़े थे, काटड़े का देख दिए तो खांस थी, पर जोटी भितरे भीतर हंस थी। इस वर्ग बराने कितने जन्या के मन ढूंढ ठुआ दिए, और जोटी सोच थी कि जिंदगी में कितने काटड़े बिकवा दिए, यो बोड़ा है इससे बात का तो रोड़ा है, बस खान की चीज तो होया करे, और सुन काटड़े ये जोटी किसी की नहीं होया करे। नुन्ना जस्सी और की मीटिंग चल रही, पैरा तलगी जमीन आल रही, का अपना खातर खड़ा हो गया मारी, काटड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो आगे और अड़ेगा, अपन बेचना पड़ेगा। ये बेचारी झोटी का बन था, काटड़ा का आखिरी दिन था, घरख्या ने डगा दिया, व्यापारियां थी चढ़ा दिया, काटड़ा का प्यार की कहानी खत्म होली, और झोटी ने जान दिया नहीं भाई भाई भी नहीं बोली। काटड़ा अड़ा के रोव था, झोटी का गला लागण की बाट जो था, पर झोटी खेली खेल आई थी, काटड़ा का नाश करन आई थी। रह लोगो बड़को इन झोटियां तब बच के रह लो, ब्याह कराना है माँ बाबू ने कह लो, बाजोगे काटड़ा जो मारे जाओगे, के बेरा कित बुच्चड़ खाने में तारे जाओगे, ये बुआ एक तो थारे खड़ बिंदोड़े खावा है, ऊपर तब या किसी और का गैल करावा है। संजीत सवाल इतना सा है, बस सुधर जा और इन झोटियां के चक्कर में ना आ। तो भाई मेरा मैसेज यो है मेरे भाइयों के, अगर आपकी है मतलब कोई भी, आप किसी से प्यार करते हो, तो भाग के शादी करना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमेशा उसकी बदनामी हुई है, माँ बाप की बदनामी हुई है। आप माँ बाप को मनाएं, अगर आप दोनों फैमिली को मनाएं और उसके बाद करें, और बाकी यह उम्र भाई साहब पढ़ने लिखने की बात करें, यह चीज़ माँ बाप आप पे करा देंगे भाई। राम राम।